अब मारुति का टायर चेंज करेंगे तो उसका साइज डिसाइड है, कौन सा साइज लगे, कोई भी और टायर या कोई भी और चाबी किसी और गाड़ी में वो फिट नहीं बैठेगी, वो जुगाड़ी होगा। पूरी तरह समझने के लिए एक लाइन में अगला 5 मिनट बहुत फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। एक कहानी है, देखिए 1922 का सबसे साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है साइंस, उसमें आया 1922 में विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीव्स विद ए मेजर हेल्थ बेनिफिट, कि विटामिन ई जो है जो कि हरे पत्तों में पाया गया है उससे हेल्थ अच्छा होता है, ये आया, ठीक है ना। तो साथ में ये भी देखा गया कि 1993 की बात है कि जिन जिन के ब्लड में विटामिन ई ज़्यादा है उनका हार्ट डिजीज कम है। अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप क्या करेंगे कि विटामिन ई से हेल्थ अच्छा होता है और एक और जर्नल में आया विटामिन ई ज़्यादा हार्ट डिजीज कम, आपने क्या किया, प्लांट से ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन ई निकाला एक डब्बे में डाला और आपको डब्बा दिया, देखो भाई विटामिन ई, आप बोले क्यों लूँ मैं, फिर आपको दोनों जर्नल दिखा दिए, कन्विंस हुए कि नहीं हुए, जर्नल बोल रहा है ये बेच रहा है, मेरा हेल्थ है मुझे जीना है मेरे पास पैसे हैं, तो दैट इज हाउ इट हैपन्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, लोगों ने लेना शुरू कर दिया जो सप्लीमेंट की दुनिया है, पीपल दे स्टार्टेड, और अभी से नहीं है सालों साल से है, कई कई डेकेड से वो कंपनियां हैं जो कि इस सोच से कि ये सप्लीमेंट लेंगे, ये टॉनिक लेंगे, ये कैप्सूल लेंगे, ये विटामिन ई विटामिन सी विटामिन ए ये सब लेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए, राइट। तो लोग लेने लगे, जैसे US में 70% लोग कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं, यहाँ तो कम लेते हैं, राइट। अब यहाँ तक बात आई, दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अनबायस्ड, उनमें से एक है कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन कोलाबोरेशन। जब भी आपको सच्चाई जानना हो तो कॉकरेन कोलाबोरेशन टाइप करेंगे तो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है मलेशिया, पिनांग मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ अभी मेरी ट्रेनिंग हुई है इस सब्जेक्ट पे कि कैसे हमें ये पता चले कौन सा साइंस हमें लेना है कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बायस साइंस है कौन सा बिकावा साइंस है कौन सा रियल साइंस है। तो वो जो है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कॉकरेन, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग करती है, तो आप गूगल में टाइप करेंगे कॉकरेन कोलाबोरेशन तो वेबसाइट आ जाएगा, फिर जो भी आपको पूछना है ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए किसके बाद दवा देना चाहिए वो जो रियल साइंस है उसमें आपको दिखेगा। तो काफ़ी सारे मैंने वहाँ से भी आर्टिकल उठाए हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगा। खैर, तो कॉकरेन जैसे कोलाबोरेशन वो क्या करती है, नज़र रखती है कि ऐसे लोग जिन्होंने विटामिन ई विटामिन सी ये सब कैप्सूल लेना शुरू कर दिया और ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लिया अब क्या होता है। तो आगे देखिए 2008 में देखा गया कि विटामिन ई अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तो वो हार्ट डिजीज बढ़ाएगा, और विटामिन ई अगर आप नेचुरल फॉर्म में बॉडी में अपने आप आता है तो हार्ट डिजीज घटाएगा। तो सेम विटामिन ई है लेकिन दो अपोजिट फंक्शन है, डिपेंड ऑन कि उसका सोर्स क्या है, दैट इज समथिंग जो कि पिछले 10 साल में ही सामने आया है चाइना स्टडी जो रिसर्च के थ्रू, उससे पहले यह था कि विटामिन ई मींस विटामिन ई कहीं से भी ले लो, लेकिन अब यह क्लियर हुआ है कि भाई कहां से आ रहा है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2005 में कि विटामिन ई सप्लीमेंट से लेंगे तो कैंसर एपिसोड ज्यादा होगा, राइट। सो ये लैंसेट का रिपोर्ट है, विटामिन सप्लीमेंटेशन इज इन द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये अगर रिसर्च आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो इसमें यह है कि विटामिन की सप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं बॉडी में, अगर वो नेचुरल तरीके से आ रहा है तो वो उसी वाले डिजीज को ठीक करेगा, वो मेडिसिन के फॉर्म में आ रहा है तो उसी डिजीज को और खराब करेगा, सेम इंग्रेडिएंट है बट सोर्स क्या है, राइट। लैंसेट और ये मेटा एक होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT, लेकिन इससे भी ऊपर होता है मेटा एनालिसिस, कई सारे ट्रायल होते हैं उनसे बड़ा ट्रायल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उन सब ट्रायल का कंक्लूजन मेटा एनालिसिस, और वो अगर मेटा एनालिसिस लैंसेट में आ रहा हो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आ रहा हो तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, वो बहुत ही ज़्यादा वो प्रेस्टिजियस साइंस है, राइट। सो दिस इज द रिपोर्ट। सो और इस तरह के जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2006 विटामिन ए ई एंड सी सप्लीमेंटेशन एंड कैंसर रिस्क। सो ये सारे जितने भी ट्रायल हैं, से बहुत सारे ट्रायल्स हैं, उसका कंक्लूजन यही है कि विटामिन कौन से सोर्स से आता है दैट मेक्स द डिफरेंस, अगर वो विटामिन एक्सट्रैक्ट करके एक डब्बे में डाल के आपको देंगे तो जिस बीमारी में वो बचा रहा था आपको वही वाली बीमारी आपको पैदा कर देगा, राइट। जो कि आज तक मेडिकल को नॉलेज नहीं थी लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 साल में ये चीज़ नई चीज़ सामने आई, राइट। सो ये सारे वही रिपोर्ट हैं, लेकिन ऐसा करता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये मैं आपको एक
एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। कंक्लूजन ये कि जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन है, वो अगर नेचुरल सोर्स से आता है तो बॉडी को फायदा करता है, लेकिन उस न्यूट्रिशन को वहाँ से हटा देते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, तो जिस बीमारी में फायदा करने वाला था वही वाली बीमारी को वो पैदा कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? इसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए गाड़ी है, कार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको आगे ले जाती है, बताइए। उसमें कौन सा पार्ट है, पुर्जा कौन सा? इंजन। आप बोलते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन, क्योंकि यही हमें आगे ले जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इंजन इंपॉर्टेंट है, इंजन उठाया, निकाला, गाड़ी से दे दिया, बैठ जाओ इस पर, आगे ले जाएगा। क्या वो ले जाएगा? तो इंजन तभी आपको आगे ले जा सकता है जब उसमें पेरिफेरल बाकी और टूल्स भी हैं, बाकी और पार्ट्स भी हैं, तभी जाके वो इंजन इंजन वाला काम करता है। ठीक इसी तरह से एक सेब है, एक सेब के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन हैं, करीब 50 तरह के अलग अलग मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। ये सारे मिलके बनती है कार। इसमें से विटामिन सी निकाला और डब्बे में डाला तो विटामिन सी वैसे ही हो गया जैसे इंजन को निकाला और बाहर रख दिया, अब उसमें बैठ गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये समझिए कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये सारे न्यूट्रिशन आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन तब जब वो एक होल का एक पार्ट हो, ना कि अपने आप में एक अकेला हो। तो ये बात जो साइंस को समझने में लास्ट 10 साल में ये समझ आई बात, लेकिन ये जो बात समझ आई है ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या न्यूट्रिशन कंपनी के फायदे की बात नहीं है, तो वो जनरल तक तो सीमित रह गया लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, राइट। सो दैट्स वाई, बट साइंस इज साइंस, वो कहीं भी आए या ना आए, राइट, वो आपको पता नहीं है, सो यू डोंट नो अबाउट इट, बट दिस इज द ट्रूथ विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस ट्रूथ क्लियरली एस्टैब्लिश दैट द साइंस इज यू हैव टू टेक द न्यूट्रिशन इन द सेम फॉर्म as is produced by the nature, as is produced by the God, only then you can expect the protection from it, and that is what the scientific finding says, right? Iska ek interesting example main aapko deta hu jisse aapko baat samajh aayegi. 1999 Guntur Global Nobel Prize winning science, unhone ye bataya ki jab bhi aap koi bhi khana khate hain, us khane ke andar, us dane ke andar address coding hoti hai, ताकि वो जब बॉडी में ट्रेवल करेगा तो कौन से ऑर्गन में जाएगा, कौन सा काम करेगा और कौन से ऑर्गन का, कौन से सेल का पार्ट बनेगा, एड्रेस कोडिंग उसी में। जैसे उन्होंने जब नोबेल प्राइज विनिंग साइंस के लिए, जब उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था, तब उन्होंने एक भाषण दिया था, भाषण में जो उदाहरण यूज किया था, आई एम यूजिंग द सेम एग्जाम्पल, आप यहाँ पे करोड़ों लोग हैं पूरे दुनिया में, आप चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त को जो कि लंदन में बैठा है, उसका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, कंट्री का नाम लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, तो आउट ऑफ करोड़ों लोगों में वो चिट्ठी उसी के पास जाती है ना, क्योंकि उसका एड्रेस परफेक्टली लिखा हुआ है, राइट। ठीक इसी तरह से जो भी खाना खाते हैं उसमें एड्रेस सिग्नलिंग कोडिंग कहते हैं वो बना होता है, विच डिसाइड्स कि बॉडी में कहां जाके कौन सा काम करना है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस गुंटूर ग्लोबल 1999, राइट। सो अब इमेजिन कीजिए, आपने चिट्ठी लिखी, उसमें दोस्त का एड्रेस वगैरह लिख दिया, लेकिन वो गलती से कहीं पे पोस्ट करते हुए या आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन में वो चिट्ठी कहीं से फट गया या थोड़ा सा आग लग गया, उसमें एड्रेस का एक पार्ट दिखने लगा, राइट, और सिर्फ गली नंबर नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहा है, और पोस्टमैन को लगा अशोक शर्मा गली नंबर तो गायब है, तो उसको चार अशोक शर्मा पता है, तो रैंडमली वो चार में से किसी एक को दे देगा, तो 1/4 चांस हो जाएंगे कि राइट आदमी को मिले या ना मिले। अब मान लो वो शर्मा भी गायब हो गया, अशोक नाम के 10 लोगों को जानता है, उन 10 में से किसी एक को देगा, 1/10, जितना एड्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा उतना उसके राइट जगह पे पहुंचने के चांसेस कम होते जाएंगे, वेरी सिंपल। ठीक इसी तरह से जब भी किसी फूड को आप कुक करते हैं, कुक करते वक्त उसका न्यूट्रिशन उतना का उतना रहता है, लेकिन उसकी जो सिग्नलिंग कोडिंग है, जो एड्रेस कोडिंग है, वो धीरे 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 इनविजिबल होने लगती है, दिखना बंद हो जाता है, तो वो फूड पेट में तो जाता है लेकिन ये समझ नहीं आता आप जाएं कहां, राइट। तो दैट बिकम्स द डिजीज, दैट इज अ सिकनेस। तो इसीलिए द सेम एज आई टोल्ड यस्टरडे, अगर खाने को आप खा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें सिग्नलिंग सिस्टम पूरा है, एड्रेस कोडिंग पूरा है, तो आप बीमार नहीं रह सकते, और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे, बीमार होंगे नहीं, और अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों की बात है, मैटर ऑफ फ्यू डेज। सो thank you friends, with this science you understand one, this is called Nobel Prize winning science 1999, it is signaling hypothesis, right? So matlab ye ki jo dawaiyon ki puri duniya hai ye science ke hisab se agar isko dekhen to that is totally obsolete, right?
वो जो दवाई की दुनिया क्या कहती है कि वो फ्रूट में से वेजिटेबल में से वो केमिकल निकालो, उसको दवा में डालो और खा लो। हमारी बॉडी उस हिसाब से डिजाइन नहीं है, राइट। सो जिस तरह से आप मारुति का टायर चेंज करेंगे तो उसका साइज डिसाइड है कौन सा साइज लगे, कोई भी और टायर या कोई भी और चाबी किसी और गाड़ी में वो फिट नहीं बैठेगी, वो जुगाड़ी होगा।